अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं सहरुन्निसा एमटी डेप्टी कराची से। आज हमारी खुश नसीबी है कि हमारे साथ प्रोफेसर नाज़िम अली खान साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर आपकी? शुक्र अल्लाह ताला का, बिल्कुल खैर खैरियत है सर। हमें बहुत खुशी है आप यहाँ मौजूद हैं। कुछ हमें यहाँ डेप्टी के बारे में आपकी जो भी तालीमी खिदमत रही है बताइए। हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है। आज अपनी रिटायरमेंट के बाद जो है ना, मैं डेटिक में जनाब फारबियन साहब ने यहाँ इनवाइट किया गेट टुगेदर के लिए, और मेरे साथी आफाक साहब और शकील साहब और बाकी भी साथी यहाँ मौजूद हैं जो कि हम डेटिक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये कि मेरी लाइफ का तो बहुत बड़ा इवेंट है कि जब मुझे जॉब मिली, और इंसान को कुछ चीज़ें जो हमेशा याद रहती हैं लाइफ में, उसमें से जॉब भी एक चीज़ है। तो जब ज्वाइन किया तो मेरा पहला डिपार्टमेंट यही डेटिक था। तो 1994 में मैं यहाँ पर आया, और तकरीबन 10 साल 2003 तक मैं यहाँ पर जो है ना रहा हूँ। तो 10 साल का अर्सा यहाँ पे गुजारा, और ज़ाहिर है जैसा कि मुझे तो बहुत इंजॉय किया मैंने आकर, और जो भी साथी मिले हमारे उस वक्त के हेड थे और भी हमारे साथी थे, शकील साहब भी हैं और एक हमारे साथी जो है ना मुझसे बाहर चले गए वो भी हमारे साथ थे। तीन चार लोग हमें एक साथ आए थे, और उस वक्त भी मतलब डेटिक में बहुत एक्टिविटी हो रही थी जब हम आए, तो मतलब इन फंक्शन था। तो फंक्शनल उसके अंदर हम इंटर हुए हैं और ट्रेनिंग चल रही थी, और फिर हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो मतलब कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद और एमफिल करने के बाद जब हम इधर एंट्री दी, तो मतलब एक स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर ट्रेनर के तौर पर एक थोड़ा सा तब्दीली, क्योंकि थोड़ा हमारा कंसेप्ट कॉलेज का होता है कि भाई कॉलेज में थोड़ा डिफरेंट टाइप होती है और स्कूल सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन यह मतलब एक ग्राउंड रियलिटी है कि भाई असल में तो हम बच्चों से ही ज्वाइन लिंक होते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चों से, सेकेंडरी स्कूल के बच्चों से, इन्हीं को फिर आगे जाके हाई लेवल पर डॉक्टर इंजीनियर और प्रोफेसर और जो भी रिसर्चर सब कुछ बनना है। तो उनको मतलब उनके टीचर्स को हम फिर ट्रेन करते थे, या मतलब एक तरह की लर्निंग होती थी, वो हमसे सीखते थे, हम उनसे सीखते थे। तो चूँकि ये टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो फिर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमने जो है ना कराई यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। और आज आए हैं तो अभी फिर देखा कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग चल रही है और जो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो नए हमारे टीचर्स अपॉइंट हुए हैं उनको यहाँ पर जो है ना उनसे शेयरिंग की जा रही है, उनको कुछ मतलब किस तरह हमें एंट्री देनी है अपने स्टूडेंट के साथ, उनको किस तरह एक्टिव पार्टिसिपेट बनाना है, उनको किस तरह कोऑपरेटिव लर्निंग सिखानी है, और उनको सोशलाइज मोबाइलेशन देनी है ताकि वो सोशलाइज हों। सर क्या फर्क है पहले जब आप थे और अब इस दौर में, इस वक्त जो इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही है जिस दौर में आप करवा रहे थे, उसमें आपको क्या तब्दीली महसूस हुई? हाँ उस वक्त भी थोड़ी सो तब्दीली है, असल में उस वक्त भी ट्रेनिंग प्रोग्राम थे और अब भी चल रहे हैं, शुरू हैं। तो बहर एक प्रोसीजर तो सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि मतलब, और ये ज़ाहिर ऑब्वियसली हेड पे डिपेंड करता है। और जिस तरह इस वक्त ये दारा शाइन कर रहा है और सफाई सुथराई और मतलब पार्टिसिपेंट पे तवज्जा देना और उनको लुक आफ्टर करना देन साहब करते हैं, मतलब उस वक्त शायद ऐसा नहीं था। ट्रेनिंग ज़रूर चलती थी और मास्टर ट्रेनर भी, लेकिन हेड्स का शायद उस टाइम इतना ग्रिप नहीं थी कि वो लुक आफ्टर करें और सारी चीज़ों पे नज़र रखें। तो हमारे भी इंसाफ करते हैं, तो इसलिए इदारा इस वक्त जो है ना चमकता हुआ नज़र आ रहा है हमें, और ट्रेनिंग भी हो रही है और पार्टिसिपेंट के साथ भी वो टाइम स्पेयर करते हैं, तो मतलब उनको एक जानते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उस वक्त हेड को नहीं जानते थे, मास्टर ट्रेनर को ज़्यादा जानते थे, और हेड अपना जो है ना अपने एक्टिविटीज़ में रहते थे ज़्यादातर।
तो इस हवाले से ये अच्छा इदारा है कि ट्रांसफ़र हुई मुख्तलिफ इदारों से होते हुए अब 10 साल में चंदन से हम रिटायर हो गए और बहुत अच्छा लगा इस इदारे में आके, एक न्यू टर्मिनोलॉजी सीखते हैं हम लोग, हमने खुद भी बहुत सारी ट्रेनिंग से की, इस्लामाबाद गए, पाइट जाते हैं, ऑल ओवर दी मतलब कंट्री हमने ट्रेनिंग्स की हैं और करवाई हैं, तो बहुत इंजॉयमेंट होता है लोगों से मिलने की और सोशलाइजेशन होने की और अपनी शेयरिंग करने की, अपने एक्सपीरियंसेस मौका मिलता है जो कि किसी आम इदारों में दूसरी जगहों पर नहीं होता है। जनरल कॉलेजेस में आइसोलेट होते हैं बस अपने कॉलेज की हद तक, लेकिन हमारे ये जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं पूरे सिंध के, हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। हालांकि पूरे सिंध में का हमारे का बहुत सारे कॉलेजेस हैं और फिर दूसरे सूबों से भी हमारा लिंक रहता है, तो मतलब ये फैमिली वाला मतलब हमारा कल्चर है यहाँ का, तो बहुत अच्छा लगा और हम बच्चों को इंजॉय करते हैं, वक्त सीखते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमें उम्मीद है कि आप हमारे डेटिक पे आते रहेंगे और अपने मुफीद मशवरों से हमें हम गिनाए करते रहेंगे। हाँ मैं इंशाल्लाह, मेरा इदारा है ये और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आपने टाइम दिया और मुझे इसके साथ ही सर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।